हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों देखिए, हमारे देश में बहुत कुछ चलता है वैसे तो, लेकिन लॉ का मिसयूज हर तरीके से हो रहा है। अब लॉ के मिसयूज पर बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, ये बिल्कुल सत्य है कि आज के समय बहुत सारे मैट्रिमोनियल में झूठे केसेज आते हैं, लेकिन दोस्तों सिर्फ मैट्रिमोनियल में ही नहीं और सिर्फ लड़कियों की तरफ से ही नहीं, बल्कि बहुत सारा लॉ का मिसयूज होता है। यानी जिसके हाथ में पावर है, जिसके हाथ में डंडा है उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो चल रहा है। यानी जो मिसयूज कर सकता है वो मिसयूज करता है। अब ठीक है, मैक्सिमम मामले तो हम वही देखते हैं कि आजकल लड़की मायके जाके के दो तीन केस कर देती है। मैक्सिमम टाइम आप लोगों को कहना होता है उसमें कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी कई बार ऐसा होता है कि जो हस्बैंड है वो भी एक ऐसी पोजिशन पर होता है कि वो लॉ का मिसयूज करने लगता है। यानी कि कुछ मामले ऐसा आया था मेरे पास जिसमें जो लेडी थी उनका कॉल था, उनका कहना था कि वो एक जज साहब की वाइफ है और उन जज साहब का इतना प्रेशर है कि उसके केस में कोई सुनवाई नहीं हो रही, उसे कोई सुन ही नहीं रहा। उसके साथ बहुत कुछ हुआ, बहुत टॉर्चर हुआ, अभी कहीं पे भी जा रही है तो वो सब मैनेज कर ले, यानी कुछ हो ही नहीं पाता। इसी तरह से दोस्तों और भी बहुत सारे केस आते हैं। ऐसे भी कई मामले आए जहाँ पर हस्बैंड बहुत अच्छी पोजिशन में है, पॉलिटिकली बहुत वेल कनेक्टेड है और लड़की का बुरा हाल हो रखा है, लड़की बहुत एजुकेटेड है, उसके बावजूद भी उसके साथ मारपिटाई की जाती है और जब वो कंप्लेंट कर रही है तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सब चीज़ों को वो ओवरऑल मैनेज कर लेते हैं। यानी कि इससे एक निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ जेंडर का कोई सवाल नहीं है। बहुत सीधी सी बात है, जो मिसयूज कर सकता है वो मिसयूज करता है और जो मैनेज कर सकता है वो मैनेज करता है। अब अधिकतर मामलों में होता है कि लड़के सिंपल अपनी जॉब वगैरह में होते हैं और लड़कियों के पास ये राइट होता है कि वो मायके में या कहीं भी जा करके कोई भी केस दर्ज कर दें और लड़के को आना ही पड़ेगा। तो इसलिए लेडीज़ की तरफ से जो ये मिसयूज हो रहा है उसके मामले बहुत ज़्यादा हैं। और कुछ मामलों में ऐसा होता है जो मैंने आपको बताया, जहाँ पर हस्बैंड बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशंस पर होते हैं और वो सारी चीज़ों को मैनेज कर देते हैं, जबकि गलत वो कर रहे होते हैं। अब दोनों ही केस में चाहे लड़की के साथ गलत हो रहा है या लड़के के साथ गलत हो रहा है, जो बिंदु है इस पूरे वीडियो का वो ये है कि वो अपनी तरफ से इनिशिएट कैसे करें, प्रोसीजर को आगे बढ़ाए कैसे। देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में ये भी ख्याल होता है कि अभी तो हमारी शादी को एक साल भी पूरा नहीं हुआ है या डेढ़ साल हो चुका है, या मतलब नई नई शादी है, तो कहीं ना कहीं इमोशनली सोच रहे होते हैं कि इतना कुछ करके शादी करी तो एकदम से कोई स्टेप ले लें। देखिए, जहाँ पर चीज़ें गलत होने लग जाती हैं अधिकतर यही देखा जाता है कि चीज़ें ठीक नहीं होती। समझाने की, बुझाने की हर तरह से कोशिश की जाती है, मीडिएशंस होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन ऐसे मामले चूँकि हमारी मेन फील्ड यही है, हम हर रोज़ बहुत मामले देखते हैं, एक महीने में हजारों मामले हम लोग देख लेते हैं जिसके अंदर हम यही पाते हैं कि मीडिएशन होता है, सब कुछ होता है, लेकिन चीज़ें ठीक नहीं होती। अगर कुछ मामलों में ऐसा भी हो गया ना कि रिकनसाइल करके चीज़ों को ख़त्म करके पत्नी दोबारा चली जाती है, वहाँ पे भी एक दो महीने के बाद वही सारी चीज़ें होती है। तो ऐसे में हस्बैंड और वाइफ के सामने क्या चाह रहा है, फिर वो सोचते हैं चलो अलग ही हो जाते हैं। हम अलग भी होते हैं तो उसके लिए हमारे यहाँ पे प्रोसीजर है डायवोर्स का, और जब डायवोर्स का एक केस फाइल होता है तो दूसरी पार्टी की तरफ से भी केसेज आ जाते हैं। अब फिर वही एक लीगल बैटल शुरू हो जाती है जिसका अंत जो है वो कई सालों में होता है। अब फिर इसमें मैंने कई सारे वीडियो बनाए जिसमें मैं डायवोर्स के फेवर में नहीं रहता हूँ, स्पेशली लड़कों की तरफ से, कि भाई आपको अपनी तरफ से इतनी जल्दी डायवोर्स फाइल नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये भी सिचुएशनल है, आप हर एक मामले में ये बात नहीं कह सकते, वो एक एंगल से बनाया गया वीडियो है। लेकिन इसका दूसरा एंगल ये भी है कि बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर लड़की को मिसगाइड कर दिया जाता है कि आप जाओ, आप उसके घर पर कब्जा कर लो, यानी आप उसके घर के अंदर एंटर हो जाओ और जैसे एंटर होंगे वहाँ पर नॉइसेंस क्रिएट करने लगो और डेली पुलिस को बुलाओ, वो लोग परेशान होकर के चले जाएंगे, उसके बाद आप उनका घर कब्जा लो। अब होता क्या है कि ऐसे मामलों में बहुत सारे, अधिकतर मामले ऐसे आते हैं जहाँ पर माता पिता जिनका वो घर है एक्चुअल में, वो तो रह रहे हैं बाहर रेंटल एकोमोडेशन में क्योंकि उनको डर है हम यहाँ रहेंगे तो हम जेल हो जाएगी एक दो दिन में, और लड़की उस अपने परिवार वालों को बुलाकर, अपने दोस्तों को बुलाकर, या कई बार उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो अपने बॉयफ्रेंड को बुला करके वहाँ उसी के घर में निवास कर रही है और साथ ही केसेस चल रहे हैं, वहाँ पति से मेंटेनेंस ले रही है। तो इतना बुरा हाल है और ऐसे मामलों की कोई कमी नहीं। ऐसे मामलों में अगर वो आपकी प्रॉपर्टी 50 लाख की है या 1 करोड़ की तो आप उसे शून्य मानो। तो ऐसे मामलों में हम लोग ये गाइड करते हैं कि भैया आपको देरी नहीं करनी चाहिए, ऐसे मामलों में आपको तुरंत डायवोर्स केस फाइल कर देना चाहिए। इसलिए नहीं, ये सोच के नहीं कि आपको डायवोर्स मिल जाएगा, लेकिन अगर आप एक डायवोर्स केस रिकॉर्ड में रखोगे और वो आपके घर के अंदर एंटर करने की कोशिश करती है तो कहीं ना कहीं आपके पास स्टैंड होगा कि आप उसको घर के अंदर एंटर करने से रोक सकते हैं। इवन अगर पुलिस भी आ गई या पुलिस को भी ये बताएंगे ना कि हमारा डायवोर्स केस कोर्ट में पेंडिंग है और अभी कोर्ट के ऑर्डर से ही सब कुछ होगा, तो दोस्तों पुलिस भी उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, यानी आप रोक सकते हैं। और थोड़ा सा इसके लिए आपको बोल्ड भी बनना पड़ेगा, दबंग भी बनना पड़ेगा, तभी होगा ये, अदरवाइज़ नहीं होगा। अगर आप पत्नी चली गई है, केसेस चल रहे हैं, प्रक्रियाएँ चल रही हैं और मीनवाइल वो आपके घर के अंदर एंटर करने की कोशिश करती है, तो
तो ये बहुत घातक हो सकता है आपके लिए। और इसको रोकने के लिए तरीका यही है कि आप डाइवोर्स का केस फाइल करो। लड़कियों के केस में जहाँ लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, वो बाहर निकलना चाहती हैं, तो उनके लिए मेरा सजेशन सिंपल होता है कि किसी भी लिटिगेशन में आप मत पढ़ो। आप 498 करें या DV करें या 125 करें, आप कितनी भटकन आपकी हो जाएगी। अगर आप एजुकेटेड हैं, आप क्वालिफाइड हैं, आपका अर्निंग सोर्स है, तो सिंपल आप एक डाइवोर्स का केस फाइल करो और उसमें एलिमनी की डिमांड कर लो। जो भी कोर्ट सही समझेगी, आपको वन टाइम एलिमनी मिल जाएगा, जल्दी से डाइवोर्स मिल जाएगा, बात खत्म, अपनी ज़िंदगी में आगे मूव ऑन करो। किसी को परेशान करने का कोई मतलब नहीं, और जब हम दूसरे को परेशान करने की सोचेंगे तो डेफिनेटली हमें खुद भी परेशान होना पड़ेगा। तो इसलिए जितनी भी लड़कियाँ ऐसी हैं जिनके साथ एक्चुअल में गलत हो रहा है, उन्हें इससे बाहर आने की सोचनी चाहिए, क्योंकि लाइफ ख़राब करके अपनी कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरा तरीका है कि कुछ भी करने से पहले एक बार आपको बात करनी चाहिए सामने वाली पार्टी से कि भाई इसको म्यूचुअली सॉर्ट आउट कर लो। और म्यूचुअली सॉर्ट आउट करते हुए भी आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह से आजकल हो रहा है कि एक फेक अमाउंट, अनरियलिस्टिक अमाउंट्स बताई जाती हैं, उस पर तो हो ही नहीं सकता ना म्यूचुअल, फिर आपको कोर्ट में फंसना पड़ेगा। तो आप ऐसी फिगर बताओ जो एक्चुअल में प्रैक्टिकल हो, जिस पर समझौता एक्चुअल में होता है। देखिए होता क्या है, शुरू में आप बोल दो कि हमें 1 करोड़ चाहिए, वो देगा नहीं सामने वाला, वो कहेगा मैं नहीं देता। आप लड़ते रहो, फिर आप केस डालोगे, फाइटिंग चलेगी 4 साल 5 साल, वो 1 करोड़ से फिर आपको लास्ट में वही 10-20 लाख पे आना पड़ेगा। इतना फ़र्क पड़ जाता है, तब जा करके आपका सेटलमेंट होता है। तो फिर इतना समय जो केसेस चले, इससे आपको क्या मिला? और लीगल प्रोसीजर में भी तो आपका पैसा खर्च हुआ। तो उससे तो बेहतर है कि पहले रियलिस्टिक अमाउंट बता करके 6 महीने के अंदर डाइवोर्स हो जाए, एक ऐसी फिगर ना उसको तकलीफ हो ना आपको तकलीफ हो, और दोनों अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। समझदारी और मेच्योरिटी यही कहती है। हाँ, ऐसे में लड़के भी कई बार एडमेंट हो जाते हैं कि लड़की कह रही है कि चलो गुड फेथ में कि म्यूचुअली करना है, इतना फिगर मुझे दे दो, और वो रीजनेबली बता रही है जितना कोर्ट मेंटेनेंस ही बांध देगा आपके ऊपर। लेकिन फिर भी लड़का ये कहता है कि मैं तो 1 रुपये भी नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, चाहे उसकी गलती है या नहीं उस बात को छोड़ देते हैं, लेकिन वो कहता है मैं नहीं दूंगा। और फिर लड़की कैसेज करती है, फिर बाद में वही लड़का अप्रोच करता है कि सेटलमेंट कर लो। तो लड़कों को भी कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा। ठीक है, जोश भरने के लिए कोई कह दे ना तुम्हें तो 1 रुपये भी नहीं देने, वो एक अलग बात है, फिर आप उस चक्कर में पड़ो और 4-5 साल अपने ख़राब कर लो लास्ट में। लेकिन जब आप कैलकुलेशन करने बैठोगे ना, तो आपको यही पता चलेगा कि इन 4-5 सालों में जितना पैसा आपने लगा दिया है, उतना पैसा यदि आपने स्टार्टिंग में दे दिया होता तो आपकी 4-5 साल की हैरेसमेंट बच जाती और अभी आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते। हो सकता है मेरी बात बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगी और वो कमेंट्स कर भी देंगे कि सर ऐसा नहीं होता, हम क्यों पैसे दें, हमने क्या गलती करी। आपने कोई गलती नहीं करी, बिल्कुल नहीं करी, लेकिन यहाँ के लॉ के हिसाब से अगर आप नहीं चलेंगे, आप सेटलमेंट नहीं करेंगे, तो इसका परिणाम क्या होगा? लड़की मेंटेनेंस का केस डालेगी, और मेंटेनेंस के केस में क्या होता है ये आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। फिर भी तो साल भर का 2 लाख 3 लाख कुछ उसको जाएगा ही, तो जितने पैसे में आपका सेटलमेंट हो रहा है इतना आप 5-10 साल में दे दोगे, और लास्ट में फिर भी सेटलमेंट हो के फिर एक अमाउंट भी देनी पड़ेगी। यानी मेंटेनेंस भी गया जब तक केस चल रहे हैं, उसके बाद एक प्रॉपर अमाउंट भी दी, और लीगल एक्सपेंसेस जो खर्च हुए वो अलग, और उतने टाइम में जितना हैरेसमेंट हुआ वो अलग। अब आप टोटल कैलकुलेशन लगा के देख लो समझदारी क्या कहती है। और हाँ, अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल कितना भी आप लड़ते रहोगे और दूसरे प्लेस पर ट्रैवल करते रहोगे, तो फिर डेफिनेटली आप उसे करते रहो। लेकिन एक जो कामकाजी व्यक्ति है, एक जो एजुकेटेड व्यक्ति है, जो इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता, उसके लिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पे आना ज़रूरी है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि लड़की वाले आपकी कैपेसिटी से 10 गुना ज़्यादा कह रहे हैं और आप उसको पूरा करो, बिल्कुल नहीं। लेकिन जहाँ आपको लगता है अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से कि जो अमाउंट अभी आपके सामने आ रही है वो ऐसी है कि उतना आप कोर्ट के हिसाब से भी 2 साल में दे देंगे, तो फिर समझदारी किसमें है वो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये कुछ प्रैक्टिकल बातें हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए, और दोनों जब तक समझदार नहीं होंगे तब तक किसी भी मसले का समाधान निकलता नहीं, चाहे आप कितना भी लड़ते रहो। ईगो का कोई अंत नहीं है, अहंकार का कोई अंत नहीं है, और उससे केवल आप दोनों ही पक्षकारों का नुकसान होगा, किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। और कर्म अपने अलग से ख़राब कर रहे हो, क्योंकि एक दूसरे के प्रति बुरा से बुरा कर रहे हो, बुरे से बुरा कर रहे हो। अब हम जब किसी के साथ बुरा करेंगे तो डेफिनेटली वो हमारे सामने भी कल को आएगी। तो आप ओवरऑल देखिए सारी चीज़ों को, अच्छे बन के चलिए, अच्छे इंसान बन के रहिए, और आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपके जीवन में जो भी कुछ गलत चल रहा है वो जल्द से जल्द निपट जाए, आप लोग जल्द से जल्द इससे बाहर आएँ और आगे का जीवन आपका सुखमय हो। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।